Now, representation of a quadratic polynomial in a graph and finding zero from it. Quadratic polynomial. The general equation of quadratic polynomial is P of x equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सोचे तो हमारे माइंड में एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है, भले वो अपवर्ड फेसिंग हो या डाउनवर्ड फेसिंग हो। तो अब हम देखते हैं कि हम वैसे टाइप ग्राफ कैसे बना सकते हैं। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो जैसे हम लीनियर में बस दो ही पॉइंट्स लिए थे, हमें यहाँ कुछ ज़्यादा पॉइंट्स लेने होंगे। Here, if x equal to minus 2, then y equal to 6. If x equal to minus 1, then y equal to 0. If x equal to 0, then y equal to minus 4. ये एक पॉइंट मिला। If x equal to 1, then y equal to minus 6. If x equal to 2, then y equal to minus 6. ये एक पॉइंट। If x equal to 3, then y equal to minus 4. If x equal to 4, then y equal to 0. And if x equal to 5, then y equal to 6. ये the last point. हमें एक ऐसा कर्व ड्रॉ करना है जो ये सारे पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाए। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट्स है -2, 6, ये है -1, 0, ये है 0, -4, ये है 1, -6, ये है 2, -6, 3, -4, 4, 0 एंड 5, 6। जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो पैराबोला है, ये x एक्सिस को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 2 है और जीरोस विल बी x इक्वल टू -1 एंड 4। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन ए ग्राफ एंड फाइंड जीरो फ्रॉम इट।